सारे देश दुनिया में 3 ट्रिलियन डॉलर का टूरिज्म बिजनेस की संभावनाएं नजर आ रही इस वर्ष। दुनिया में सबसे तेज गति से अगर किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो टूरिज्म का हो रहा है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, उसको प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ है, प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये सारा हमारा क्षेत्र अंटैप रहा हुआ है। हमारी कोशिश है कि भारत की जो विरासत है, विरासत के माध्यम से हम दुनिया को टूरिज्म के क्षेत्र में आकर्षित करें। हम मणिपुर, जिसने पोलो को जन्म दिया, कल आपका यहां पोलो का कार्यक्रम था और मैंने सुना 8 देश के लोग उसमें थे। अब ये आपकी विरासत है, ये दुनिया को कैसे पता चले, दुनिया उसे देखने कैसे आए, ये खेल यहां प्रारंभ हुआ वो क्या था, दुनिया जाने तो। और इसलिए मणिपुर का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को देश भी जाने, दुनिया भी जाने, और उसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहता हूं। मैंने अभी हमारे एचआरडी के विभाग के लोग मिले थे, मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज है, क्या हर यूनिवर्सिटी से साल में एक बार 100 नौजवान, ज्यादा नहीं कह रहा, 100 नौजवान नॉर्थ ईस्ट पर टूरिस्ट के नाते जा सकते हैं क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, अगर हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी के 100 युवक अगर यहां पर टूरिस्ट के नाते आए, नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में जाए, सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के कारण यहां का टूरिज्म इतना बढ़ सकता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया है, आने वाले दिनों में नजर आएगा। यहां पर विविधता इतनी, और बड़े मणिपुर तो एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक राजधानी जैसा है ये प्रदेश। क्या नहीं है आपके पास, नृत्य है, नाट्य है, गीत है, संगीत है, कॉस्ट्यूम्स है, क्या नहीं है, यानी एक प्रकार से कला की अप्रतिम विरासत की धरती है। उस धरती को दुनिया देखे। मेरा आज इस शांघाई फेस्टिवल से जुड़ने के पीछे देश के अंदर मुझे एक संदेश देना है, ये जगह है जहां प्रधानमंत्री जाने को लालायित है, आप भी जाइए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिस्ट आएंगे, कोई कहता है टूरिस्ट आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। दोनों में बात में वजन है, लोग आना शुरू करेंगे तो व्यवस्थाएं विकसित होने लगेगी, व्यवस्थाएं विकसित होने लगेगी तो लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे समाज के अंदर अपने आप को एक ताकत होती है, वो प्रोफेशनली इन चीजों को डेवलप करते हैं। हमने थोड़ा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, अगर उचित कनेक्टिविटी मिल जाए यहां टूरिस्टों का तांता लगा रहेगा, और मुझे विश्वास है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो कम से कम पूंजी से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, बहुत पूंजी नहीं लगानी पड़ती। टूरिज्म ऐसा है, चना सिंह बेचने वाला भी कमाता है, पापड़ बेचने वाला भी कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, फूल पौधे बेचने वाला भी कमाएगा, सब्जी बेचने वाला भी कमाएगा, टैक्सी वाला भी कमाएगा, छोटे छोटे गेस्ट हाउस लेकर के बैठे होंगे वो भी कमाएगा, होम स्टे की जो व्यवस्था करते होंगे वो भी कमाएंगे, चाय वाला भी कमाएगा,
चाय वाला कमाए तो मुझे जरा ज्यादा आनंद होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब से गरीब को रोजगार मिलना। रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है, वो अपने आप में